तो यहाँ पे सिचुएशन समझो, चार बंदे बचे हुए और ये इसको ऑर्डर से किए। अब ऊपर वाले बंदे से मैं फाइट लेना चाहता था और ये मौलिक ये भाई अपने आप पे कर ली, बहुत गलत काम किया। अब सबसे पहले तो हील कर लेते भाई, अब ऊपर वाला बंदा कभी भी जंप कर सकता है इसलिए अंदर घुस जाते हैं। अब एक और बंदा भाई जो कार ने एंटेट चला रहा है ऊपर से, अच्छा वो कनेक्ट नहीं हुआ। अब वो बंदा मौका देखते भाई क्लोजिंग कर लेता है। तो गाइस यहाँ पर और भी ज़्यादा सिचुएशन और गंभीर हो रही यहाँ पे, मतलब क्या ही बोले, मतलब क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो भाई इस बंदे ने ग्रेनेड कर दिया और ऊपर वाला बंदा कभी भी रश कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है इस समय। तो गाइस यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि भाई ऊपर वाले बंदे से फाइट ले लिया जाए, लेकिन ये जो टीपीपी के अगेंस्ट जाना भाई ये बहुत ही गलत बात हो गई मेरे लिए। तो गाइस नीचे जो ग्रेनेड था भाई वो फूट गया और मैं फैसला लेता हूँ कि ये जो भाई नीचे वाला बंदा इसको भाई ठिकाने लगाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो गाइस ये वाला गेम प्ले एक सोलो कौन कर गेम प्ले और मेरा रैंक सोलो रैंकिंग में नंबर वन पे आप देख ही सकते हो। तो फिलहाल ये चीज़ मैं हर बार मतलब हर वीडियो में बोल दिया करूँगा ताकि बंदों को मिसकंसेप्शन ना रहे। और राइट साइड में एक बंदा गोदा है या फिर बोट है या फिर बंदा है, एक बार चेक कर दे क्योंकि वो ओपन में चल रहा है। और जब मैं जाता हूँ उसके पास में तो ये गाड़ी ही में बैठ जाता है। अब मैं निकला तो अपने रास्ते, इससे पहले कि जाऊँ मैं, ये बंदा मेरे पे फायर, बोट है मेरे पे फायर कर रहा था। और गाइस पीछे देखो एक कार 98 चल रही है और लकीली उस बंदे का हेड कनेक्ट हो जाता तो भाई उसके बल्ले बल्ले और हमारे -50 हो जाते। अब मैं तो निकल जाता हूँ, ज़्यादा होशियारी नहीं करते इधर गाड़ी चला के। और आगे हूँ मैं इस कंपाउंड पे। अब यहाँ पर आने में तो गाड़ी चाहिए फास्ट आने में, और कोई गाड़ी थी नहीं तो मैं समझ गया ये सिक्योर है और कोई आया नहीं यहाँ पर, और लूट कर लेते भाई शांति से। तो गाइस जैसा हर बार मैं हर वीडियो में स्टार्टिंग में मतलब गाड़ी लेके दूर जाता हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी कौन कर रहे टायर पर कह रहे हो तो आप भी ऐसे गाड़ी लेके जाया करो। मतलब ज़बरदस्ती नहीं है भाई हर बार गाड़ी लेके दूर ही जाना है, कभी कभी अपना भी दिमाग लगा लिया करो कि ऐसे ज़बरदस्ती आप गाड़ी लेने जाओगे या फिर कुछ भी हो सकता है, गन फाइट हो सकती है। आप गाड़ी पर उतरे लेकिन बंदा कंपाउंड पर उतरा और गन मिल गई उसको, तो भाई आपको तो एकदम ठिकाने लगा देगा वो। तो गाइस जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है और भाई हर बार आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं एक ये वाले बग्गी चेंज कर लेता हूँ और निकल लेता हूँ आगे, जो कंपाउंड है उनको लूट लेता हूँ भाई, ज़्यादा अच्छी खासी लूट हुई नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आ गया हूँ मैं और यहाँ पर हमको मिल जाते गैस वैस कैन और स्मोक मिला है, ग्रेनेड मिला है भाई, एक ऑटो गन दे दे मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये देखो भाई लंगड़ा चलने वाला स्टाइल ही अलग है। और फिलहाल अच्छा बात ये है कि हमको वेक्टर और एके मिल गया, वैसे वेक्टर मैंने उठाया नहीं क्योंकि क्लोज रेंज वाली जो गन है मेरे पास एके एम ऑलरेडी है। और हमको मिल गया 3x और भाई एके एम पे 3x बहुत अच्छा चलता है, जैसे M4 पे चलता है वैसे आप चला के देख लेना एक बार। अब मुझे चाहिए था भाई एक लॉन्ग रेंज वेपन, मतलब M4 या फिर 5 का कोई भी गन, क्योंकि भाई ये जो पीपी है इसका जो ब्लेड ट्रेवल है बहुत लेट है यार। तो गाइस इस तरीके से हमने 2 जोन निकल दिया। अब उस तरफ के जो मेरे सारे कंपाउंड थे सब मैंने छान मारे, अब मिला कुछ नहीं, हमको स्कारेल मिली। M4 मिल जाती तो बेहतर रहता लेकिन स्कारेल भी कम नहीं है, बहुत ही तगड़ी गन है ये। अब हम निकले थे भाई जोन की तरफ और फिलहाल आ गए हम सीधे 3rd जोन में। अब यहाँ पर रेड जोन है तो इसको हल्के में लिया करो गाइस, ये बहुत ही डेंजर है, मार्केल हल कर देगा तुमको ये। तो गाइस अब आ गए हम जोन में और यहाँ इस सेक पे होल्ड करने वाला हूँ मैं। यहाँ से हमको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती है जैसे कि सर्वाइवल और कवर तो है ही है वैसे, और किल भी मिल सकते हैं अगर बंदे यहाँ से रोटेशन मारते हैं तो। तो गाइस यहाँ पर किल फीड नोटिस करो भाई, मतलब बहुत जहर लग रहा है भाई। एक तो ये मैक्स सूट एक सूट और ये जो स्किन है भाई जहर लग रहा है एकदम, मतलब जो बंदा इससे मरा होगा उसका भी अलग ही स्वेग होगा, भाई देख मेरे को किसने मारा, मतलब मज़ा आया। तो गाइस यहाँ पर हम जोन नोटिस करते हैं तो ये बनता है भाई यासनया पोलियाना के खेतों में, और वहाँ पे जाके हमको घास काटनी है, मतलब घासों में जाके छुप जाना क्योंकि ये सारा एरिया ओपन है। और ये जो कंपाउंड था भाई इसको मैं एक बार चेक करता हूँ, और बंदा कोई नहीं था तो इसको मैं होल्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरा एडवांटेज ये रहता है कि अगर रोटेशन मारते बंदों को मैं बहुत एक्यूरेट फायर देता हूँ तो मुझे किल ईजी मिल सकते हैं। यहाँ पर प्रोन रहता हूँ क्योंकि भाई ऐसा कोई एंगल नहीं चाहता कि कोई मुझे फायर कर दे, और इस तरफ से एक बगिया थी बंदे पे तो फायर कनेक्ट नहीं हुआ लेकिन टायर पे कनेक्ट हुआ और टायर उसका फूट जाता है। अब सामने से देखा तो भाई वहाँ पे भी फायर हो रहा है, पीछे से एक ढांचा आती है, वो ढांचा भी हमारे फायर रडार से निकल गई, उस पर किसी भी तरीके से हम फायर नहीं कर सकते। अब लेफ्ट में देखते हैं वहाँ पर एक झोपड़ी है जैसा है और वहाँ पर फाइट चल रही है। एक बार तो मैंने टेप फायर दिया अगर एक्यूरेसी लगती है तो, लेकिन नहीं भाई वो बंदा मूव कर रहा है
उसको एक बार स्प्रे ही मार दिया मैंने, और स्प्रे में भी ज़्यादा गोलियाँ कनेक्ट होती है नहीं उसको, और मैं रहने देता हूँ क्योंकि हमारे पास जो F5 का एमओ है बहुत कम है, आगे कम आएगा बहुत। राइट साइड में भी देखे तो भाई इस तरफ से किसी एक्स फ्यूरर भाई ने मतलब किसी को मार दिया है। तो गाइस यहाँ पे हमने नोटिस कराया नहीं कि जो जोन है भाई हम पे ही बना है, और यह मतलब अच्छी बात है। अब सामने से जो रिज है वहाँ से और राइट में भाई फील्ड है, वहाँ से अगर कोई स्नैक रहता है तो वो हम पे फायर कर सकता है, इसलिए मैं प्रोन रहता हूँ। और इतनी देर में सामने से एक यूएजेड आती है, इससे पहले कि मैं फायर कनेक्ट करूँ बंदे ने अपना गाड़ी घुमा लिया और ऐसी जगह चला गया जहाँ से वो और भी ज़्यादा मुसीबत में, मतलब वहाँ पे एक तो जोन भी नहीं है, और फाइनली मैंने उसको डैमेज भी दे दिया थोड़ा बहुत। और वहाँ पे एक M7 से कोई बंदा उसको किल करता है या फिर किसको करता है समझ नहीं आया, किल फीड में एक नाम आया भाई किसी का M7 से, और जो डायरेक्शन थी वो उस तरफ ही थी, तो मैं समझा भाई वही बंदा होगा जो अभी USZ से गया है। अब मेरा ध्यान था भाई जो स्मोक हो रहा है इधर, और इतनी देर में जो लेफ्ट साइड में भाई जो ओपन फील्ड है वहाँ से AWM चलती है। तो गाइज ये किल कैसा लगा ये बता देना मुझे, और ये वही बंदा था जो मतलब एक शूट वाला था और बहुत ही तगड़ा जो जहर किल भी डाल रहा था ना इसी बंदे का आ रहा था। और गाइज अगर भविष्य में हम थोड़े बड़े यूट्यूबर बन जाते तो हम भी ऐसे अपग्रेड और किल मैसेज वाली स्किन्स लगाएंगे, और फिलहाल तो हमारे पास रॉयल पास भी नहीं है। तो गाइज हवाबाजी करने से बेहतर है अभी हम गेम पर ध्यान देते, और इधर से एक ढांचे आती है हम पे नहीं आ रही थी, वो जा रही थी भाई। और देखो गाइस मतलब थर्ड पार्टी करने के लिए तीन तीन बंदे लगे हुए, उधर दो बंदे मतलब टीम अप करे हुए हैं, क्या पता दोनों उस एक ही डायरेक्शन से फायर कर रहे हैं और एक ट्रिपल स्टोरी से फायर कर रहा है। तो फिलहाल तो हम कवर में आ गए और बूस्ट कर लेते हैं। तो गाइस इस फाइट में तुमने देखा होगा कि जो FPS भाई मतलब कितना ही फ्लक्चुएट हो रहा था, मतलब कम हो रहा था, और जैसे तैसे मैंने इस बंदे को किल कर दिया। अब गाइस अगर जोन देखे तो भाई बहुत दूर बन गया है, 100 मीटर दूर, और ये बहुत काफ़ी होता है किल होने के लिए। और इस तरफ से एक बंदा मिनी चला रहा है, और अगर आपके मैच में कोई बंदा मिनी चला रहा है भाई लगातार तो उस बंदे से दूर ही रहना, और भले ही आपके पास M4 हो 6X हो भाई दूर ही रहना, वो बंदा मतलब ऐसा नहीं कि नूबड़ा है वो। देखो गाइस उसने किल कर दिया, अब ये जो बंदा मरा ना एक्सबॉट भले ही मतलब कितने ही बिल में छुपा हुआ होगा तो भी इसने मार दिया होगा, क्योंकि ये मिनी वाले बंदे मतलब ऑब्वियसली हैक लगाए हुए बंदे हैं। अब यहाँ पर मैं निकल लेता हूँ बूस्ट करके, और मैं जाने वाला था सीधा उस स्क्वाड हाउस पर, क्योंकि हमको पता नहीं है कि बंदे कहाँ छुपे हैं। स्क्वाड हाउस में कम से कम कवर तो रहेगा, और एक बंदा हुआ तो उससे फेस टू फेस फाइट ले लेंगे। अब यहाँ पे घुसते ये जो लंगड़े जैसे चल रहा है ना, ये करेक्टर बहुत ही बुरा लगता है मुझे। उसे की तरह मेरे ऊपर एक बंदा है और सामने वाली ट्रिपल स्टोरी पे बंदा, एक मिनी बंदा बहुत ज़्यादा चला रहा है, और एक बंदा भाई जोन के बाहर मर गए, शायद ये वही मतलब मिनी वाला बंदा मारा हुआ उसको। अब यहाँ पे मतलब क्या ही बोले, मतलब क्या करना चाहिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो मैं फैसला लेता हूँ कि जो ऊपर वाला बंदा इससे फाइट ली जाए। तो बस यहाँ पे मैंने उस बंदे को बहुत अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, और मुझे लगा कि वो बंदा यहाँ पर सामने भाई कैंप कर रहा होगा या फिर TP भी ले रहा होगा। और देखो गाइज मतलब अपने ही पैरों पे मैंने कुल आ रही क्या कहते हैं मोली मार दी। अब इससे पहले कि वो बंदा हिल करके मेरे पे रश करे मैं हिल कर लेता हूँ, और पीछे देखो भाई Kar98 और तुरंत वो बंदा भाई रश करने चला है, और यहाँ पे मुझे भाई सर्टेन एंगल नहीं मिला वरना इसको मैं उतार देता। और वो बंदा भाई अप्रोच कर लिया ये स्क्वाड हाउस के पास में। अब देखो गाइस अब और भी ज़्यादा सिचुएशन गर्मा गर्म होगी। अब यहाँ पर बाहर वाला बंदा एक ग्रेनेड कर देता अंदर, भले इसको टाइम लगा लेकिन कन्फ्यूज तो ये हो रहा कि ऊपर वाला कब बंदा मेरे पे रश कर दे, और ये वाली गाड़ी फोड़ देता हूँ एक बार तो। लेकिन उस बंदे को डैमेज नहीं पड़ा, सबसे पहले तो इस बंदे को निपटाते यार। अरे भाई ये बोंडा थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अब तुरंत प्रभाव से एक बार तो मैं हील कर लेता हूँ भाई, और जो बंदा था वो भी हील कर रहा था, शायद मैंने भी डैमेज दिया उसको। अब यहाँ पर मैं नेट करता हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर वाले बंदे से फाइट लेनी पड़ेगी। अब
और इस तरीके से इस बंदे को मार देते, और सामने एक और बंदे भाई कमेंट्री तो पूरी करने दे यार। अब ये बंदा बहुत ज्यादा प्रो, इसके पास बम ज्यादा है गोलियां कम है। तो गाइस सिचुएशन बहुत ज्यादा ही गौतम गंभीर थी और हम बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। अगर तुम लोग को ये वाला गेम प्ले पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस क्या लगता है, ये वाला बंदा हैकर था या फिर सही था? कमेंट करके जरूर बता देना था कि मैं अगले मैचों में इससे बच कर रहूँ और हमारा माइनस ना लगे। और जो लोग नए हैं भाई मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो भाई ये जो लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको मार मार के काला कर दो, भले ही सब्सक्राइब ना करो पर इसको काला जरूर करो। अबे साले मतलब सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस इस वाला गेम प्ले में हमको मिला है +8 5 किल करने के बाद। और जो लोग मुझे नहीं जानते एक बार तुम सोलो रैंकिंग चेक करो यार। तो यार अब बस मिलते हैं हम अगले वीडियो में यानी कि कल। तो चलो यार बाय।